यू आर वॉचिंग गली न्यूज। गली न्यूज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड से एक दुखदायी खबर आ रही है। मुंबई, सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बिग बॉस 13 में बने थे विजेता। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनके चाहने वालों का दिल टूट चुका है। एक्टर के निधन से बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बड़ा सदमा लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। सिद्धार्थ महज 40 साल के ही थे। इस वक्त उनका शव कूपर अस्पताल में है और पंचनामा किया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कल रात वे दवाई लेकर सोए और सुबह नहीं उठे। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी का जाना माना नाम थे और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। सिद्धार्थ का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी रुचि कभी भी मॉडलिंग और एक्टिंग में नहीं थी। सिद्धार्थ हमेशा से ही बिजनेस करना चाहते थे। अपने लुक्स की वजह से वो लोगों को आकर्षित करते थे। साल 2004 में एक बार माँ के कहने पर सिद्धार्थ ने एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सिद्धार्थ यहाँ बिना पोर्टफोलियो लिए पहुंच गए। ज्यूरी ने सिद्धार्थ के लुक देखकर ही उन्हें चुन लिया। इस प्रकार उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। सिद्धार्थ की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। खबरों की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला रात में दवाई लेकर सोए और सुबह उठ नहीं सके। सिद्धार्थ शुक्ला का नाम शहनाज गिल से जुड़ा है। दोनों के फैंस सिड नाज के नाम से जानते थे, लेकिन अब केवल नाज रह गई है क्योंकि सिड ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही शहनाज गिल को यह खबर मिली, उन्होंने शूटिंग छोड़ दी। दरअसल शहनाज गिल शूट में व्यस्त थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ नहीं रहे, उन्होंने शूटिंग छोड़ दी। शहनाज गिल एक बेहतरीन अदाकार है। उनका नाम काफी समय से सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा रहा। इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ का निधन की पुष्टि की गई। एक्टर का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। सिद्धार्थ बिग बॉस 13 और खतरों के खिलाड़ी 7 में विजेता थे। इस खबर ने हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर 3 दिन पहले एक ऐसा पोस्ट लिखा था जिसे उनके हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला लोगों के चहेते कलाकार थे। बिग बॉस की विजेता बनने के बाद उनके हाथ में कई प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो ऐसे चले गए किसी ने सोचा नहीं था। तो बड़ी बॉलीवुड फिल्म और कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके थे। गली न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। You are watching Gully News.